बहुत बड़ा है वैसे, ये वही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों स्वागत है अभी सभी लोगों का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में 7:30 बजे के आसपास चुकुम विलेज से एक खबर आई है, वो खबर काफ़ी दुख खबर है। तो हुआ है ऐसे कि जो गोपाल राम जी हैं वहाँ पर रहते हैं चुकुम विलेज में, तो मॉर्निंग के समय उस जगह पे टाइगर निकल के आया और टाइगर ने उन पर हमला किया, उनकी ऑन द स्पॉट वहीं पे ही मौत हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं चुकुम विलेज और दिखाते हैं आपको वहाँ पे की कुछ लोकेशन जहाँ पे कि टाइगर ने अटैक किया था। तो वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ चुकुम गाँव और मैं हूँ अभी रिवर में। और जो हादसा हुआ है, ये रास्ता जाता है अंदर को, यहाँ से सीधा आगे को और सीधे हादसा हुआ है दोस्तों उस जगह पे, यानी ये जो घोरा बाग है, घोरा बाग के जस्ट तो मिलते हुए वो हादसा हुआ है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, रिवर क्रॉस करके आगे चलते हैं और वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों मैं उसी लोकेशन पर आ चुका हूँ जहाँ पे कि अभी टाइगर ने आज सुबह एक हादसा किया, यानी कि एक आदमी को मार दिया है। दोस्तों आदमी का नाम है गोपाल राम जी, जो कि सुबह फ्रेश होने के लिए, मैं आपको बता दूं कि जंगल है पूरा और जैसे कि ऐसी लोकेशन पे वो रह रहे थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं वॉशरूम वगैरह तो नहीं था उनके पास, तो इसलिए एक हल्का सा झाड़ी किनारे पे बैठे हुए थे फ्रेश होने के लिए। तो टाइगर ने मौका देखते हुए ही उन पर हमला कर दिया और हमला इतना ख़तरनाक था कि उनकी जान चली गई। ये है वो नाला, आगे देखिए वहाँ पर खड़े हुए हैं ढेर सारे आदमी। मैं अभी यहाँ से आपको दिखाता हूँ, देखिए इस जगह पे हादसा हुआ है और हादसा हुआ तो उनकी जान चली गई। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी यहाँ पे आया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि देखिए झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, आप मेरी पिछले वाली वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा गांव दिखाया है। तो यही मैंने रखी थी बात कि आगे झाड़ियाँ इतनी सारी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए यार आज ये हादसा हो चुका है, ये पूरा गांव है चुकुम गांव। तो ये जैकेट है उनकी जो कि काफ़ी बेकार हो चुकी है। दोस्तों ये जगह है जहाँ पे कि टाइगर ने आदमी को हमला किया था। दोस्तों जैसे बोरा ब्लड गिरा हुआ है, दोस्तों यहाँ पे बैठे हुए हुए थे। आपके पास कोई भी काम आएगा बोर्ड नहीं दिखे नहीं दिखे, बस काम देने दिखे नाम दिखे, बस हम किसी को बोर्ड में देने वाले हैं नाम देने देंगे। अब बोर्ड वाले बाहर आना भी मत, हमको नहीं चाहिए बोर्ड। हम बोर्ड और सब बंद कर रहे हैं, बस बस है। जनप्रतिनिधि करेंगे, वो किसी पुलिस का हाथ या किसी वन विभाग का काम नहीं है, ये भी तुम भी जानते हो, ना मेरा हाथ का काम।
कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। दोस्तों देखिए आगे से जेसीबी आ चुकी है और इस साइड में भी सफाई होगी, यानी कि जितनी भी जगह झाड़ी हो रही है ना, ये सारे झाड़ियाँ जेसीबी से हटेंगी। ये सारी झाड़ियां हटेंगे यहाँ से। तो ये भी अभी जो बता रहे थे मैं उनको भी वही बताया, जो हो पाएगा वही हाँ बताऊंगा, वो जो भी ऐसे ही हाँ नहीं कोई भी फाइल में नहीं दबेगी, वो सारा काम हो जाएगा जो भी आप बताएं। विस्थापन जो बताएं वो हमारे सर का नहीं है, हमारे सर का नहीं है। उसका वही है, परमिशन के लिए मुझे जाके वहाँ पे लेटर लिखना पड़ेगा। वो सब अभी आप फोन पे नहीं होता, आप समझ लीजिए हर चीज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अरे ये इनको जाने दो, ये रहन साहब यही है, ये लोग सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, प्रक्रिया होती है, मैं तो सही कर रहा हूँ काम जो। अब ये बताओ कि आप आदमी लैट्रिन बाथरूम भी कहाँ जाएगा, अब वो तो पीछे तो घूमते रहे जाने का, खुद किसी और डिपार्टमेंट से भी कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, बाकी वो जब आएंगे उनको उनके साथ रखिए, ये शौचालय वो करेंगे। वही है जो बन सकता है वो उनसे बना लीजिए, जो हमारे जैसे 16 टंकी हो गया, जारी सफाई हो गया, वो तो करीर है। यहाँ दोस्तों देखिए पूरी डीओपी की टीम पहुंची हुई है और इस साइड में देखिए इनका घर यहाँ पे है, देखिए जहाँ पे हादसा हुआ था। दोस्तों अभी निकल रहे हैं घर को।
दिल से डर डरे की और दोस्तों अभी यहाँ पे से हम पानी पार कर रहे हैं। ये देखिए साइड में बीरू भाई हैं, दीपू भाई, अभी हम सब जने यहाँ से पानी पार कर रहे हैं। पानी बहुत ठंडा है, एकदम बर्फ की तरह। तो दोस्तों ये आ चुका है पिंजरा टाइगर को पकड़ने के लिए। चुनाव के जंगल तो दोस्तों ये देखिए 24 घंटे के अंदर फॉरेस्ट वालों ने टाइगर को पकड़ लिया है। अभी इसको ढीला रेस्क्यू सेंटर में लेके जा रहे हैं। देखिए अरे हट जा आगे, हट, बहुत बड़ा है वैसे ये वही है। रख दो यही रख दो यार, देख लो। अरे हट जा आगे से, आगे से हटो, आगे से तो हटो। हेलो सर, हटो सर, सर सर हटना थोड़ी। विजय सर हटना मुके आगे से हम वीडियो बना रहे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपनी शॉप पे। जैसे कि मैं वहां पे गया तो वहां पे की स्थिति इतनी गंभीर हुई थी, बहुत खतरनाक का वहां पे माहौल हुआ है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, भगवान गोपाल राम जी की आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को हिम्मत दे सुंदर खाल की ऐसी वीडियोस देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।